तो फाइनली मैं आ गया हूँ कावासाकी के शोरूम पे। मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ इन दोनों मोटरसाइकिल्स के लिए। तो कावासाकी ने बेसिकली हमारी दो नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी हैं, जो कि एक है हो जाती है आपकी कावासाकी की निंजा 400 और उसी के साथ साथ आपकी हो जाती है वर्सेस की नया वेरिएंट 650 का, जिसमें आपके दो कलर्स नए आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों मोटरसाइकिल में हमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। निंजा 400 जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक बाइक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप की टारगेट ऑडियंस है आपकी। तो आइए देखते हैं कि हमें निंजा 400 में क्या मिल जाता है, वर्सेस में क्या मिल जाता है, इन लोग की स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है, और जस्ट इन केस अगर आप यहां से इन दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो उसकी फाइनेंस फैसिलिटी क्या है। जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, देन गो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा पर्सनल सलाम। कावासाकी 400 की ना काफी ज्यादा एक डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है, वो क्यों है ये हमें बताएंगे लोकेश भाई। लोकेश भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया। तो लोकेश भाई जो है बेसिकली कावासाकी यहाँ पर जो है हमारे छतरपुर पे वो सारी चीजें संभालते हैं, और कावासाकी के बारे में जितनी नॉलेज लोकेश भाई को, मेरे हिसाब से कितनी किसी को भी रहती नहीं शोरूम में। नहीं, होती है सभी को, होती है। मैं जानकारियां बांटता रहता हूँ। ठीक है, तो जानकारी आज फिर से हम लोग थोड़ा सा बांटते हैं। लोकेश भाई, बेसिकली हमारी दो मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है, एक हमारी 400 सीसी कैटेगरी की बाइक लॉन्च हुई है जिसको हमारी RC 390 के साथ कंपेयर करा जा रहा है, और एक हमारी वर्सेस लॉन्च हुई है। इसका कंपैरिजन RC 390 के साथ बिल्कुल होता है नहीं, बिकॉज एकदम टोटली डिफरेंट सेगमेंट की मोटरसाइकिल हो जाती है, पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग वर्सेस पर आ जाए तो वर्सेस में इस बार काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं, इसमें नई कलर थीम ऐड करी है ना। तो सबसे पहले हम लोग वर्सेस के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बताइए अब हमें 2023 वर्सेस में हमें क्या चीज नई मिल जाती है। नया मैं बता देता हूं, पुराने और नए में अंतर क्या है। पहली बात, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया, चेंज किया गया, ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स ये है ही ऐसा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया, प्लस हेलोजन लाइट की बजाय LEDs कर दी हैं, ये स्क्रीन पूरा चेंज किया हुआ है यहाँ से। और अगर हम देखें तो कलरफुल TFT आ गया, जो कि नीड थी, काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई थी। वही आपकी जैसे निंजा 650, Z900, 10R, हाँ जी, ये सब वाली, और निंजा 1000SX वाली कलरफुल TFT आ गई है। साथ में दो लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल भी डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, कि दो लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, मोबाइल में राइडियोलॉजी ऐप डाउनलोड करेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फीचर वाइज हमें इसमें क्या मिल रहा है? फीचर वाइज हमें इसके अंदर ट्रैक्शन लेवल और ABS स्टैंडर्ड मिल रहा है। ABS स्विचेबल नहीं है ना? स्विचेबल नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, इस बार ही ना थोड़ा सा चाबी का भी सेगमेंट चेंज किया गया। अच्छा, चाबी अलग हो गई। चाबी बहुत मतलब प्यारी स्लीक सी दी हुई है इस बारी काफी। ओके, ये हमें इसमें कीलेस एंट्री कब से मिलना शुरू होगी? कीलेस एंट्री अभी कोई अपडेट नहीं है वैसे कावासाकी की तरफ से कि कब तक मिल जाएगा। ये जो दो पोर्ट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हमारा DC सॉकेट का और एक हमारे को दिया हुआ है USB सॉकेट का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप दोनों चीजें ले सकते हो, USB भी और DC सॉकेट भी लगवा सकते हो। और ये दोनों हमारा आफ्टर मार्केट है? नहीं, कावासाकी भी देता है। नहीं मतलब कावासाकी आफ्टर मार्केट देगा ना, ये मोटरसाइकिल एक्सेसरीज आता नहीं, एक्सेसरीज आती है इसकी अलग से, वो आपको यहाँ पे लगवा। वो कितने रुपए की एक्सेसरी है सर? एक है हमारे 13,260, एक है हमारा 18,260। तो 13,000 और 18,000 रुपए की ये दोनों हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा कर दिया, लेकिन ठीक है। USB चार्जिंग पोर्ट जो है आप लोगों को देना चाहिए कावासाकी, अगर आप सुन रहे हो तो। लोग अब आजकल तो रॉयल एनफील्ड में भी हमें USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, इनफैक्ट छोटी मोटरसाइकिल पर, लेकिन इसमें ना एक्सेसरीज आइटम में दिया हुआ है। ओके, ठीक है। प्लस हमारे LED इंडिकेटर्स हो गए हैं और टेल भी हमारी LED हो गई है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चेंजेस मिल जाते हैं? इंजन से कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेम एज इट इज, 649 cc पैरेलल ट्विन, 66 BHP, 64 Nm टॉर्क, और 66 BHP, हाँ, 6 स्पीड गियर है, मैनुअली ट्रांसमिटेड, चैन ड्राइव, स्टैंडर्ड ABS। ठीक है, ये एवरेज कितना प्रोवाइड करती है लोकेश भाई? 20+, क्योंकि 21 लीटर का टैंक है इसका, 21 लीटर का टैंक हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो क्या इसमें क्रूज कंट्रोल तो है? क्रूज कंट्रोल नहीं दिया, दो लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल डाले, ऑफ कर सकते हो या 1-2 कर सकते हो। कलर थीम जो है इसकी, एक तो ये हमारी कलर थीम, एक कैंडी लाइम ग्रीन, एक कैंडी लाइम ग्रीन आई है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया थीम है। ठीक है, तो ये हमारी कैंडी लाइम ग्रीन वर्सेस 650 2023 वेरियंट हो जाता है। कलर मेरे हिसाब से आपको कौन सा कलर पसंद है लोगे? मेरे को वो वाला कलर जो नया है ना, वो, क्योंकि कैंडी लाइम तो हमेशा से आता ही रहा है, और ग्रीन तो कावासाकी की थीम ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग से कलर दिया हुआ है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो कितने की लोकेश भाई? बाइक का जो शोरूम प्राइस है वो है 7 लाख। ऑन रोड इसका 8,31,000 है। 8,31,000 ऑफर शोरूम पे चल रहा है, वो आप यहाँ आएंगे वो हम लोग करेंगे, कंपनी की तरफ से तो नहीं है, लेकिन जो भी गुडीज है कुछ भी है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर इस पे कोई फाइनेंस कराना चाहता है तो डाउन पेमेंट कितनी होगी मिनिमम?
मिनिमम से मिनिमम वन लाख रुपीज देकर गाड़ी को फाइनेंस किया जा सकता है। 1 लाख रुपए देकर के आप ये गाड़ी लेकर जा सकते हो, इसीलिए मैं लिखता हूँ थंबनेल में कि 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल ले लो। पूरी वीडियो देखा करो सही से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर, जो की है अगेन हमारी 2022 है, ये 2023, ये 2023 हमारी कावासाकी की निंजा 400 हो जाती है। सर एक बार मेरे को निंजा 400 की यूएसपी बताइए। लोग कहते हैं कि सिर्फ 100 सीसी ज्यादा हो जाती है 300 से, लेकिन इस मोटरसाइकिल का फील वाइब भी काफी अलग है। फील सबसे बड़ी बात है, जो ये थीम है ना, ये देख रहे हो आप, ये जो रिवर मार्क दिया हुआ है, यस एस्टुगा है ये, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है केआरटी जिसको बोलते हैं कावासाकी रेसिंग टीम कलर। पहली बात, गाड़ी सीबीयू दी है इस बारी, ना ही असेंबलिंग है ना ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है, डायरेक्ट थाईलैंड से इंपोर्ट होके गाड़ी आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर इस गाड़ी को जब चलाया जाता है ना, ये ना रेस ब्रीड है, मतलब स्टार्टिंग रेस ब्रीड है। इंडिया से बाहर तो 300 मिलती नहीं है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 400 से ही बंदा स्टार्ट करता है। तो चलाने में साउंड में सबसे अच्छा है ये गाड़ी, और प्राइस जो रखा है ना वो भी डिसेंट रखा है, कोई ज्यादा ना ही ज्यादा है ना ही कम है। क्यों है? क्योंकि 300 सीसी का प्राइस वो है 3,87,000, अगेन अगर 650 पे चलते ना तो 7,80,000, तो इसके मिड रेंज कोई नहीं था, तो उसको उस प्राइस में रखा गया है। अगर इसको प्राइस को कम करेंगे 300 सेगमेंट थोड़ा सा दिक्कत करेगा सेल होने में, ऊपर करेंगे तो 650 सेगमेंट जाएगा, ये थोड़ा सेल होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्राइस जो है ना वो ठीक रखा है इसका। प्राइस की मैं अगर बात करूँ तो प्राइस जो है ऑन रोड प्राइस 5,72,000 है, गाड़ी का ऑन रोड प्राइस का, हाँ, गाड़ी का ऑन रोड प्राइस का 20% आप पे करके गाड़ी को ले जा सकते हो। जैसे कि कितने रुपए में हम इसको ले जा सकते हैं? सर ऊपर से 1 लाख रुपीज दो, गाड़ी लेके जाओ सीधा। 1 लाख रुपए में फाइनेंस फैसिलिटी यहीं पर आप अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अगर हम लोग इसी फीचर की बात करें तो फीचर वाइज हमें क्या मिलता है एबीएस के अलावा? एबीएस के अलावा क्या है, एनालॉग मीटर मिल रहा है प्लस डिजिटल है दोनों, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 399 सीसी के अंदर 45 bhp प्रोड्यूस कर रहा है और 35 nm टॉर्क है, 6 स्पीड गियर दिए हैं, स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ ट्यूबलेस टायर मिले हुए हैं आपको जी। टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की 14 लीटर एवरेज कितनी प्रोवाइड करती है? एवरेज 25 से 30 के बीच में आराम से मिलेगा गाड़ी 25 से। अच्छा मेरे को एक सवाल बताइए कि KTM की जो आपकी RC 390 है, हाँ, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आपका 43 bhp प्रोड्यूस कर, बिल्कुल है, ठीक है। तो स्मार्ट डिसीजन क्या होगा मोटरसाइकिल लेने का? और वो 2 लाख रुपए कम है। स्मार्ट डिसीजन अगर लेना है तो मैं अगर सिंपल सिटी में बात करूं, जापानी इंजन जो होता है वो हमेशा रिलायबल होता है, बहुत लंबा चलेगा। क्या होता है कि बंदे को ना एक चीज़ खरीदनी होती है, बंदा पैसा एक बार लगाता है, इधर आप कम पैसा लगा के मतलब ज़्यादा ज़्यादा उसको सर्विस में देते रहो, और एक बार पैसा लगा के मतलब मेंटेन करके चलते रहो, संतुष्ट रहोगे, मतलब जब तक गाड़ी रख के तब तक संतुष्ट रहोगे, और प्लस रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी है कावासाकी की। ओके, तो अगर कुल मिला के लोकेश भाई का कहना है, मतलब ये है कि अगर संतुष्टि वाली कोई चीज लेनी है तो फिर यू कैन गो फॉर निंजा 400। अगर बार बार थोड़ा सा पैसे खर्चा करना है, क्योंकि KTM की सीन क्या है ना कि KTM अपने इंजन से काफी ज्यादा पावर आउटपुट निकालता है, जिसकी वजह से उसकी इंजन की रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम थोड़ी सी कम रहती है, वाइब्रेशन भी रहती है गाड़ी, क्योंकि वो सिंगल सिलेंडर इंजन हो जाता है आपका, पैरेलल ट्विन सिलेंडर। और एक बार और लोकेश भाई इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार मैंने अभी हमारा वीडियो करा था, मैंने 400 और RC 390 को कंपेयर करा था, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि 400 की जो टारगेट ऑडियंस है जो इस मोटरसाइकिल को बाय आउट करेंगे वो काफी ज्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि मोटरसाइकिल दिखने में आपकी 650 और 10R को थोड़ा सा रिजेंबल करती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी जगह टेल आप देखोगे ना वो 10R एकदम 10R की टेल हो गई है, फ्रंट से आपकी 650, रियर से आपकी 10R, हार्ट से आपकी जो है निंजा 400। मोटरसाइकिल आपकी 5,27,000 रुपए कितने की है? 5,72,000 रुपीज ऑन रोड इस मोटरसाइकिल की आपकी प्राइसिंग हो जाती है। 1 लाख रुपए में देख करके आप ये वाली और ये वाली दोनों ही मोटरसाइकिल लेकर के जा सकते हैं। अब एक बार जल्दी से आपको आवाज सुनाता हूं मैं इसकी, ये है पैरेलल ट्विन इंजन की आवाज। ये हो गई हमारी 400 की आवाज। अब एक बार जल्दी से वर्सेस की भी हम लोग आवाज सुनाते हैं। लोकेश भाई डू दी ऑनर्स। अंडरबेली एग्जॉस्ट, लोकेश भाई जी, दोनों की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उसका लाउड एग्जॉस्ट है, कोई सीन है क्या? सीन है इसके साउंड सबसे प्यारा है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि 400 सेगमेंट ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तो ये हमारी आज की दोनों मोटरसाइकिल्स हो जाती हैं, एक आपकी कावासाकी की निंजा 400, एक आपकी वर्सेस की 650। ये दोनों ही मोटरसाइकिल आपकी यहाँ कावासाकी पर अवेलेबल है 76 रुपए। लोकेश भाई का जो नंबर है वो आप हमारे पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो, उसके बाद इनके से सारी बातें करके यहाँ पर आकर के टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। बुकिंग कितने रुपए में कर सकते हैं लोग? बुकिंग 50,000 से हो रही है दोनों बाइक, 50,000 रुपए से दोनों
दोनों मोटरसाइकिल की बुकिंग हो जाएगी। और डिलीवरी डेट में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, हैंड टू हैंड लेके जाओ। अच्छा आओ लेकर के चले, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। लोकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए जल्दी से डिलीवरी करिए। लोकेश भाई ने मेरे सामने बैठे बैठे 5-6 डिलीवरी कर दी है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको द मोस्ट स्पेशल मोटरसाइकिल अंडर 400 cc विच इज़ निंजा 400, उसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, उसके जो इंजन स्पेक थे, उसकी जो फीचर्स जो प्रोवाइड करती है, मोटरसाइकिल के कितने कलर्स आते हैं, 2 कलर्स में आपकी आती है, प्राइसिंग आपकी 5,72,000 रुपीज़ की आती है, उसके अंदर वर्सेस 2023 है, ये 2022 नहीं है। इसमें भी जो आपके 2 नए कलर आए, ये आपका एक नया कलर है जो कि यूजुअली आपको ग्रीन कलर से काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिल जाता है। गाड़ी में जो है आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल की भी प्राइसिंग हमने आपको बता दी। ये दोनों ही मोटरसाइकिल अगर आपकी सिविल अच्छी है तो 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर के लेकर के जा सकते हो। अगर आपको इसकी बुकिंग करानी है तो आप उसके 50,000 रुपये दे सकते हो। मोटरसाइकिल आपको हैंड टू हैंड अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं जाता हूँ, आपके लिए इन्हीं टाइप के और खिलौनों को लेकर के आता हूँ। यू आर वॉचिंग फ्यूचर नंबर 1 ऑटोमोबाइल चैनल इन इंडिया। दिस इज साहिब सिद्दीकी। बाय बाय, टेक केयर, सलाम।